गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज की 18th अप्रैल की क्लास। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली क्लाइमेट एंड एनर्जी मिनिस्टर्स एंड एनवॉयज फ्रॉम G7 कंट्रीज मेट इन अ कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री। रिसेंटली G7 कंट्रीज के कुछ एनवॉयज, उनके मेंबर्स और कुछ क्लाइमेट एंड एनर्जी मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई है, कहां पर वो हुई है ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है यूएसए। सो रिसेंटली सेपोरो नाम की जगह पर, जो कि जापान में है, वहां पर क्लाइमेट और एनर्जी मिनिस्टर्स और G7 कंट्रीज के एनवॉयज की कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में कमिटमेंट की है कि वो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की तरफ काम करेंगे बाय द ईयर ऑफ 2035। पूरी इलेक्ट्रिसिटी कार्बन फ्री प्रोड्यूस करेंगे और जो कोल है, कोला है, कोले को बिल्कुल फेज आउट करना है, यानी कि उसका यूज को खत्म करना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, उसके स्पीड को और बढ़ाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जापान। और जापान में ही इस बार G7 समिट है, वो भी जापान में होनी है, वो भी शेड्यूल्ड है जापान में। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैग कोवैक इज अ ग्रुप अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज WHO, ऑप्शन बी इज यूनेस्को, ऑप्शन सी इज UNDP एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन COVID-19 वैक्सीन कंपोजिशन, जिसको शॉर्ट में आप टैग को वैक बोलते हो, उसने बोला है कि जो भी बूस्टर डोजेस कोविड के अगेंस्ट लोगों को लगाई जा रही थी वो अभी भी वैलिड है, यानी कि वो अभी भी लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट। और जो कोविड का, जो कोविड वायरस का सार्स कोव 2 वेरिएंट था, वो उससे भी उसको प्रोटेक्शन दे रही है। इसके साथ साथ जो अभी ओमिक्रॉन वायरस है और ओमिक्रॉन के डिसेंडेंट्स हैं, नए नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन दे रही है। तो जो भी बूस्टर डोजेस है इंडेक्स वायरस बेस्ड वैक्सीन की, वो अभी भी इफेक्टिव है सभी COVID-19 वेरिएंट्स के अगेंस्ट। ये WHO की इस एडवाइजरी ग्रुप ने बोला है। तो आपको याद रखना है कि टैग कोवैक किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइली ब्रिजेस आर प्रपोज्ड इन विच नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द वन हॉर्न राइनोज। सो बाइली ब्रिजेस क्या होते हैं, ये बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं और ये टेम्पररी भी हो सकते हैं। ऑप्शन ए है मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है दिबांग नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी है नोकरेक नेशनल पार्क। सबसे पहले तो अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं भी है, तो भी आप यहाँ पे इंटेलिजेंट गेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वन हॉर्न राइनोस की प्रोटेक्शन के लिए ये बनाई जा रही है, तो इसके ज्यादा चांसेस होंगे कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क ही इसका आंसर होगा। आई एम सेइंग मोस्टली, मैं हमेशा नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उन्होंने बोला है कि हम बाइले ब्रिजेस बनाने में हेल्प करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है और ये असम में है। इसका बेसिकली यूज क्या है या पर्पस क्या है, कि जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, जो वन हॉर्न राइनोस की जहाँ पे कुछ कुछ पॉकेट्स हैं उनमें, जो वहां पर गार्डेड है, वहां पर डिप्लॉयड है, उनके फास्टर मूवमेंट्स के लिए, कि वो इजीली वहां पे ऑपरेशन कर सके, काम कर सके। और इन ब्रिजेस से इसके साथ साथ जो रूट्स हैं, वल्नरेबल पॉकेट्स है, वो भी कम होंगे, डिस्टेंस कम होगा और बेटर कोऑर्डिनेशन होगी जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनके बीच, जो भी फॉरेस्ट गार्ड वहां पे एंटी पोचिंग कैंप्स में काम करते हैं, स्पेशली मॉनसून के टाइम, क्योंकि ये जो रीजन है ये मॉनसून के टाइम काफी इफेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री ओपन्ड यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन ए इज जर्मनी, ऑप्शन बी इज फिनलैंड, ऑप्शन सी इज स्पेन एंड ऑप्शन डी इज इटली। सो रिसेंटली यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर के ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है फिनलैंड में। इसका नाम है ओल्किलुओटो 3 रिएक्टर, जिसकी 1600 मेगावाट कैपेसिटी है। अगर इसकी बात करें, ये 2022 मार्च में फिनिश नेशनल पावर ग्रिड में इसको कनेक्ट किया गया था और रिसेंटली इसने रेगुलर प्रोडक्शन स्टार्ट की है।
इससे हेल्प क्या होगी, जो फिनलैंड है, एक तो उसकी कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट्स अचीव करने में हेल्प होगी, और इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन की सिविल वॉर चल रही है उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने ऑयल, गैस और बाकी पावर सप्लाईज रशिया से कट डाउन कर दी है। तो इस टाइम पे बहुत इसको जरूरत थी यूरोप को, जो भी एनर्जी सिक्योरिटी की। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। इसके साथ साथ हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था कि जर्मनी ने अपने बचे हुए न्यूक्लियर प्लांट्स बंद किए हैं। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, वहां पर हमने क्या बात की थी कि जर्मनी ने न्यूक्लियर प्लांट जितने भी बचे हुए थे 3, वो बंद कर दिए हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। सो रिसेंटली इंडिया का 5th रैंक आया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द 5th। तो इंडिया की कितनी रैंकिंग है, 5th रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जफरुल्ला चौधरी हु हैड पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एक्टिविस्ट एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच कंट्री। तो जो जफरुल्ला चौधरी थे, जो कि रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, वो एक एक्टिविस्ट थे और फ्रीडम फाइटर थे, कौन सी कंट्री से। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सो रिसेंटली डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी पास्ट अवे, जो कि वेटरन लिबरेशन वॉर फाइटर थे, कहाँ से, बांग्लादेश से, और ये एक लेजेंडरी पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट थे, डॉक्टर भी थे, बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर फाइटर भी थे। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ था कम्युनिटी लीडरशिप कैटेगरी में 1985 में, और राइट लाइवलीहुड प्राइज भी मिला था 1992 में, क्योंकि उन्होंने पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया था। इनके बारे में अगर बात की जाए कि जब 1971 में बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थी, तब ये इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर भी दिख रही है। तो डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी बांग्लादेश के एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव अ न्यू मलेरिया वैक्सीन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विद चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3। यानी कि 3 साल से छोटे बच्चे के लिए एक नया मलेरिया वैक्सीन जिस कंट्री को अप्रूवल मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो कौन सा देश है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन सी है ब्राजील एंड ऑप्शन डी है इंडिया। सो रिसेंटली घाना पहली ऐसी कंट्री बन गई है, पहला ऐसा देश बन गया है पूरी दुनिया में, जहां का जो मलेरिया, एक नया मलेरिया वैक्सीन है, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिल गया है। और ये जो वैक्सीन है, ये 3 साल से छोटे बच्चे के उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, और ये पहली बार हुआ है कि एक मेजर वैक्सीन, जो कि पहली बार एक अफ्रीकन कंट्री ने बनाया था, उसको अमीर देशों से पहले अप्रूवल मिल गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और आपके यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी मिल गया कि जो घाना है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। तो आंसर है ऑप्शन बी, घाना। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स रैंकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इन द वर्ल्ड। रिसेंटली वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रैंकिंग आई है, जिसमें कंट्रीज को क्रिमिनल कंट्रीज इस रैंकिंग दी गई है कि कौन सी कंट्री ज्यादा, जहां पर ज्यादा क्राइम है, जहां पर कम है। ऑप्शन ए है वेनेजुएला, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है सीरिया एंड ऑप्शन डी है यूएई। तो उन कंट्री में सबसे टॉप पर कौन है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल कंट्री कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रिसेंटली जो वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज निकाली है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 77th। अगर बात करें कि सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल कंट्री कौन है, उसका आंसर है वेनेजुएला। इसके बाद सेकेंड नंबर पर है पपुआ न्यू गिनिया, और थर्ड नंबर पर है साउथ अफ्रीका। अगर बात करें सबसे कम क्रिमिनल की, कि जहां पर क्राइम सबसे कम है, तो वो है टर्की, जर्मनी एंड जापान। तो ये लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज हैं। अगर हम रैंक की बात करें, जो तुर्की है उसका 92nd रैंक है, जर्मनी का 100th एंड जापान का 135, और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 77। तो आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज गुजरात, ऑप्शन सी इज राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र।
रणथंभौर नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट पर है? राजस्थान में स्थित है। ये हमने जीके का क्वेश्चन इसमें ऐड किया था। और ये रणथंभौर नेशनल पार्क की एक आज पिक्चर भी आई हुई थी न्यूज़पेपर में, तो मैंने सोचा ये भी इंक्लूड कर दूं, आपका जीके का क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू लाइसेंस क्रिप्टो फर्म्स? क्रिप्टो फर्म्स कौन सी होती हैं जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती हैं? तो कौन सा देश ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि जो क्रिप्टो फर्म्स हैं उनको लाइसेंस दिया जाएगा? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है यूएसए सॉरी इंडिया, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है एल सेल्वेडोर। सो रिसेंटली एल सेल्वेडोर ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि वो क्रिप्टो फर्म्स को लाइसेंस देगी। अगर एल सेल्वेडोर की बात करें तो ये पहली देश ऐसा था जिसने दुनिया में 2021 में पहला ऐसा देश बना था जिसने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट ऑप्शन एक्सेप्ट किया था। जो बिटकॉइन करेंसी है उसको एज अ पेमेंट ऑप्शन एक्सेप्ट किया था। जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनेक्स ये कंपनी का नाम है, जो कि पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी बनी है जिसको ऑफिशियल लाइसेंस मिल गया है एल सेल्वेडोर ने। एल सेल्वेडोर एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एल सेल्वेडोर। अगर आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये उसका यूजर नेम है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।